जिस जिस भी बच्चे ने वेटिकन ऐप को डाउनलोड कर रखा है या कोई कोर्स परचेज कर रखा है या मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि 1 से 2 दिन में नया ऐप मैं लॉन्च कर रही हूँ। पुराने ऐप में इश्यू आने की वजह से हमने क्रिएटर्स चेंज किए हैं, जिस वजह से ऐप के स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। तो अब बच्चों को क्या करना है, बच्चों को सबसे पहले तो नए ऐप को डाउनलोड करना है, और नया ऐप डाउनलोड करने के लिए कुछ और नहीं करना, उसी पुराने ऐप को जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है उसमें अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा कल परसों में, तो आपने उस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे नया ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है तो आपने माय कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप नया कोर्स परचेज करना चाह रहे हो तो आपने पेड कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नए ऐप में ये 2 ऑप्शन की जरूरत आपको सबसे ज्यादा पड़ेगी, और वो आपको होम पेज पे ही सारे ऐसे छोटे छोटे आइकन दिखेंगे, जैसे आपके फोन में ऐप्स दिखते हैं ना, वैसे ही ऐप के अंदर जब वेटिकन ऐप पे क्लिक करोगे छोटे छोटे आइकन दिखेंगे, उसमें से माय कोर्स अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, पेड कोर्स अगर आप नया कोर्स लेने के इच्छुक हो, जैसे मैंने ट्रांसलेशन बैच अनाउंस किया हुआ है, तो ऐप का अपडेट कर लीजिएगा कल परसों में। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट में अपना नंबर पिन कर रही हूँ, उस पर आप बात कर सकते हो।